हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और आज का जो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, वो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं भागीरथ पैलेस के अराउंड और साथ ही साथ चांदनी चौक के अराउंड। ये दोनों मार्केट थोड़े थोड़े आपको दिखाएंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डीस्टेबलाइज हो सकता है, वीडियो फुटेज जो है शायद इतनी स्टेबल ना हो। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1+3 से फ्रंट कैमरा से, जब तक इसकी बैटरी बची हुई है, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे GoPro से। तो GoPro एंड 1+3, दीज आर द टू डिवाइसेस विच आर गोइंग टू बी यूज टुडे फॉर द व्लॉग। तो देखते हैं कि कैसा रिकॉर्ड होता है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इन मार्केट के अंदर। अब अगेन कुछ तो पर्पस है जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे वीडियो लाइट्स लेने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल भागीरथ पैलेस में मुझे एक CFL चाहिए जो कि मेरे सॉफ्ट बॉक्स की लाइट में लगता है, तो वो CFL मुझे वहाँ से मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी और जगहों से तो अभी तक मिल नहीं पाया है वो CFL। तो देखते हैं कि वहाँ पे मिल पाता है नहीं मिल पाता। साथ ही साथ आई एम प्लानिंग टू बाय द कैमरा विच इज़ गोइंग टू बी फॉर द व्लॉग्स। तो व्लॉग कैमरा मैं सोच रहा हूँ आज खरीद लूँ, एंड आई विल प्रोबेबली बाय द कैनन G7X विच इज समथिंग विच आई हैव फाइनली सिलेक्टेड एज अ व्लॉगिंग कैमरा। तो देखते हैं कि क्या मैं वो कैमरा खरीद पाता हूँ आज। यहाँ पे चांदनी चौक लाल किले के पास, तो बैक साइड में यहाँ पे लाल किला है। और ये एरिया जो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ फिलहाल, ये नॉर्मली एरिया ओपन नहीं होता है, लेकिन आज ये ओपन है और यहाँ पे काफी सारे लोग जो है आ रहे हैं और फोटोज वगैरह जो है ले रहे हैं लाल किले के साथ। तो हमारा बढ़िया प्यारा सा लाल किला दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। और अगेन अच्छा लग रहा है यहाँ आके। इससे पहले कि मैं मार्केट में जाऊँ, सोचा मैंने कि भाई यहाँ पे आके कुछ फोटोज वगैरह जो है ले लेते हैं। तो फोटो लेके फिर हम चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि क्या मिलता है आज हमें। और चीज़ यहाँ पे है कि आज का जो पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड हुआ है, काफ़ी कुछ जो है GoPro से रिकॉर्ड किया है मैंने, GoPro Hero 4 से। और ऐसे में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप बड़ा कैमरा वगैरह लेके आएंगे, स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है आपके साथ, हो सकता है आपका पर्स चोरी हो जाए, कुछ और हो जाए। जबकि इस तरह का छोटा कैमरा अगर आप कैरी करते हैं, तो एक्शन कैमरा से अगर आप ब्लॉग बनाते हैं इस तरह के मार्केट के अंदर, तो वो रिलेटिवली इजी हो जाता है। कुछ कुछ लोगों ने पूछा भी कि आप वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उन्होंने उस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन अगर आप बड़ा DSLR जैसा कुछ ले आएंगे इस तरह के मार्केट में और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, और कुछ लोग आपको रोक सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रिकॉर्डिंग करना यहाँ पे इतना मुश्किल है, चलने की मुश्किल हो जाती है, जगह बिल्कुल खड़े होने की नहीं मिलती है, ऊपर से वहाँ पे छोटी छोटी वैन्स भी आ जाती हैं, रिक्शा भी आ जाते हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और ऐसे में आपको चलना भी है, डॉज भी करना है, रिकॉर्डिंग भी करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुश्किल हो जाती हैं एक साथ। तो अगर कहीं पे स्टेबल वीडियो नहीं मिल रहा है आपको, थोड़ा सा हिल रहा है वीडियो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अगेन जो गिम्बल में लाया था उसकी बैटरी ख़त्म है, DJI गिम्बल मेरे पास है, ऑसमो मोबाइल, तो उसकी बैटरी ख़त्म है। तो ऐसे में मैं सब कुछ रिकॉर्डिंग जो है हाथ में की है, और छोटा सा ट्राइपॉड मैंने यूज़ किया था, टाइम लैप्स भी बनाया,
बट ओवरऑल इस तरह के मार्केट में आना, घूमना, शॉपिंग करना और रिकॉर्डिंग भी करना, ये सारी चीजें एक साथ करना इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट टास्क. तो वो आज मैंने कर लिया है, तो आई हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि मैं ये सब चीजें एक साथ कर पाया हूँ, तो वो बड़ी बात है मेरे लिए. From beneath the sand, don't you take me, girl, seems so unfallen. Across the universe, she lives another day. I know the reason she failed. I know the reason she's so far away. एंड आई हैव डन माई शॉपिंग, जो मुझे भगीरथ पैलेस से सामान लेना था और साथ ही साथ चांदनी चौक से जो मुझे सामान लेना था. अगेन जो कैमरा है वो आज नहीं मिल पाया, आई थिंक कैमरा कहीं भी नहीं है, कैनन G7X, बिकॉज आई थिंक एयर एंड क्लोजिंग है और कैनन की वजह से जो स्टॉक है मार्केट में वो नहीं है, तो अभी वो स्टॉक बाद में आएगा. तो वो कैमरा हम बाद में लेंगे, सेल्फी कैमरा और द ब्लॉगिंग कैमरा वी विल टेक लेटर. बट अभी मैंने जो चीज़ें ली है वो आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे मैंने एक 27 वॉट की CFL जो है ली है, ये सॉफ्ट बॉक्स में लगती है, जो हमारे पास सॉफ्ट बॉक्स लाइट है तो उसमें इस तरह की चार CFL लगती है और उसके बाद एक डिफ्यूज़र होता है, फिर वो लाइट जो है बेहतर तरीके से आ पाती है और वो वाइट लाइट मिल पाती है. तो ऐसी लाइट मुझे और चाहिए थी, तो वो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ. जो मैंने सामान लिया है चांदनी चौक के मेन मार्केट से, कैमरा मार्केट से, तो वो है ये स्टैंड जो आप देख सकते हैं. ये स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर लगती है वाइट लाइट, तो वो आपको बाद में दिखाएंगे ऑफिस में चल के, क्योंकि वो अभी तो पैक्ड है, तो वो ऑफिस में आपको खोल के दिखाएंगे किस तरह की लाइट मैंने ली है आज. बड़ी CFL वाली लाइट है, डिफ्यूजर के साथ है, एंड अगेन काफी सस्ते मिल गई, तकरीबन 5,000 रुपये में दो का सेट मिल गया मेरे को और उसके साथ स्टैंड भी मिले हैं, तो 5,300 रुपये टू बी वेरी प्रिसाइज इज द कॉस्ट. सो गाइज ये है वो लाइट जो मैं आज लेके आया हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स. तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लग जैसा कुछ होल्डर है, एंड देन यू हैव दिस मेटल बाउल काइंड ऑफ अ थिंग, जिसके अंदर एक बड़ी सी CFL जो है लग जाती है. मैं दिखा देता हूँ, और मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरह से ये है अंदर से. तो कुछ ऐसी CFL इसमें बड़ी सी जो है आती है इसके साथ, और ये आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ ये डिफ्यूज़र जो है ये मैंने अलग से लिए हैं. कुछ इस तरह का पूरा ये सेटअप है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस तरह की लाइट है. तो फिलहाल काफ़ी थक गया हूँ मैं, यहाँ पे चलना ही चलना हो जाता है, ऊपर से इतना कंजस्टेड एरिया है कि उस कंजस्टेड एरिया में इतना मुश्किल हो जाता है चलना, सामान के साथ चल रहे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और कैब लेने के लिए भी मेरे को यहाँ पे आना पड़ता है लाल किले वाली साइड, क्योंकि वो कंजस्टेड मार्केट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कैब भी आएगी तो कैब भी फंस जाएगी. मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कभी भी आप यहाँ चांदनी चौक में आएँ कैमरा की शॉपिंग के लिए, जो मेन मार्केट है, और जो मेन मार्केट क्या वो कह लीजिए कि गली है, बहुत ही कंजेस्टेड गली है, और गली का नाम है कूचा चौधरी. तो कूचा चौधरी वाली गली में आपने जाना है और वहाँ पे आपको सारा कैमरा का इक्विपमेंट जो है मिल जाएगा. बहुत सारे फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स यहाँ पे आते हैं और अपना जो लाइट वगैरह का सिस्टम है, ट्राईपॉड वगैरह, या फिर आपको फ्लैश लाइट चाहिए या फिर आपको कुछ भी चाहिए शूटिंग से रिलेटेड, वो आपको यहाँ मिल जाएगा. चाहे वो सॉफ्ट बॉक्सेस हो, चाहे वो फ्लैश लाइट हो, चाहे वो अलग अलग तरह की फ्लैश हो जो कैमराज में लगती हैं, उनके रिमोट्स हो, कुछ भी हो, और सेल बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है. इसी के साथ एक और मार्केट जो दूसरा मैंने आज विजिट किया वो था भगीरथ पैलेस. तो भगीरथ पैलेस बेसिकली लाइट के लिए है, वहाँ पे आपको फैंसी लाइट मिल जाती है, साथ ही साथ जो नॉर्मल CFL वगैरह आप लेते हैं नॉर्मल किसी शॉप से, तो वहाँ पे वो CFL जो है थोड़ी महंगी मिलती है. जबकि अगर आप यहाँ पे आए और पूरे घर के लिए आपने लेके जाने हैं कुछ 5-20, 10-20 या उससे ज़्यादा, तो आपको अच्छे डिस्काउंट में जो है CFL मिल जाती है. अब ये वाली जो CFL मैंने यहाँ से ली है, ये नॉर्मली मार्केट में कुछ
250 या 260 की पड़ती है, जबकि मुझे यहाँ पे 180 की मिल गई है पर पीस। तो ऐसे में मैंने इसके तकरीबन 14-15 पीस लिए हैं, तो मुझे तो यूज़ है। तो ऐसे में अगर आपको अच्छी CFL चाहिए और कंपनी की CFL चाहिए, वारंटी के साथ चाहिए, जो यहाँ से आप आके ले सकते हैं। लोकल सामान भी मिल जाता है यहाँ पे चाइनीज क्वालिटी वाला, अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो सामान आप लें, वो और भी सस्ता मिल जाएगा आपको, 15 वॉट 10 वॉट वाली CFL और सस्ती मिल जाएंगी। इसके अलावा भगीरथ पैलेस में बहुत सारा लाइट का सिस्टम है, तो अलग अलग तरह की आपको सीलिंग लाइट और आपको व्हाइट लाइट चाहिए शूटिंग वगैरह के लिए, तो वो भी कुछ कुछ यहाँ मिल सकती है। लेकिन एग्जैक्टली जो है अगर आप लाइट की बात करेंगे जो वीडियोग्राफी के अंदर यूज होती है, तो वो आपको पूछा चौधरी में मिलेगी उस तरह की लाइट। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, इस तरह के वीडियोज आपने देखने हैं, तो मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, देखते हैं कितने सारे लाइक हम आज इस वीडियो पे पा सकते हैं। कोशिश करिए कि 1000 लाइक तो कम से कम आ जाए इस पर। आई होप कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन जो है मिले जो इस वीडियो में आप देखने आए थे। एंड अगेन अगर मिली है वो इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अगर नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि और लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।